चंडीगढ़ में पिछले करीब 3 महीने से पड़ रही गर्मी से शहरवासियों को निजात मिल गई है। रविवार रात हुई बारिश का दौर सोमवार को भी रुक रुक कर चलता रहा। सोमवार रात को भी शहर में अच्छी बारिश हुई, जिससे तापमान में काफी कमी आ गई है। सोमवार देर शाम तेज धूल भरी आंधी चली थी, इसके कुछ देर बाद रात को बारिश शुरू हो गई। सोमवार सुबह भी आसमान में बादल छाए रहे, ऐसे में आज दिन के समय भी तापमान में कमी की संभावना है। रविवार और सोमवार को भी शहर का तापमान सामान्य के मुकाबले 4 डिग्री कम रहा। मौसम में हुए इस बदलाव के चलते शहरवासी काफी खुश है और पर्यटक स्थलों पर लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। सुखना लेक पर कई राज्यों से लोग परिवार समेत पहुंच रहे हैं और बोटिंग का भी आनंद ले रहे हैं। यहां पर दिल्ली और बिहार जैसी गर्म जगहों से पर्यटक ज्यादा आ रहे हैं। बच्चे भी यहां खूब मजा कर रहे हैं। इसके अलावा रॉक गार्डन, बर्ड पार्क, रोज गार्डन जैसे पर्यटक स्थलों पर भी लोगों की भीड़ जुट रही है। दरअसल मौसम विभाग ने पहले ही मौसम में होने वाले इस बदलाव की सूचना दे दी थी। चंडीगढ़ समेत पंचकुला और मोहाली में भी 2 दिन से मौसम सुहाना बना हुआ है। मौसम विभाग ने बताया था कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में ये बदलाव आएगा। हालांकि आगे एक बार फिर से लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा। वहीं जून के अंतिम सप्ताह में शहर में मॉनसून दस्तक दे सकता है, ऐसे में लगभग 1 महीना और लोगों को गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ेगा। बता दें कि मई के महीने में शहर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक जा पहुंचा है। आने वाले दिनों में इसमें और वृद्धि होने की संभावना है। बीते 14 मई को शहर में सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया था, ये 43.6 डिग्री सेल्सियस था। इससे पहले 24 मई 2013 को शहर का तापमान 43.8 डिग्री दर्ज किया गया था। इससे पहले अप्रैल के महीने में भी तापमान में काफी वृद्धि हुई थी। अप्रैल के अंतिम दिनों में अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री रहा था। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।